सीरियल अपना टाइम भी आएगा में अब तक आपने देखा है कि किस तरह से रानी सा कदम कदम पर रानी और वीर को अलग करने की साजिशें रचती हुई नजर आई हैं। लेकिन अब तक वीर को रानी सा के बारे में कुछ नहीं पता है। वो ये नहीं जानता कि ये सब कुछ रानी सा जानबूझकर कर रही हैं। इसी वजह से उसने अभी तक रानी सा से कुछ नहीं कहा, कोई रिश्ता नहीं तोड़ा। हालांकि उसे तो ये पता है कि रानी सा रानी को कुछ खास पसंद नहीं करती। वेल, ऐसे में आप देखेंगे कि अब रानी सा का सच वीर के सामने आएगा। रानी सा एक्सपोज होने वाली हैं। उनकी एक एक साजिश के बारे में वीर को पता चलने वाला है, जिसके बाद वीर रानी सा से अपने रिश्ते तोड़ लेगा। जिस वीर के लिए रानी को अलग करने की कोशिश कर रही हैं रानी सा अपने परिवार से, अब वही वीर रानी सा से अलग हो जाएगा, उनसे नफरत करने लगेगा, उनसे अपने रिश्ते तोड़ देगा। जानते हैं कैसे? दरअसल सबसे पहले तो वीर को ये पता चलेगा कि वो नकली वीडियो जानबूझकर रानी सा ने बनवाया था। इस बात का खुलासा वीर के सामने विक्रम करेगा कि भाई, माँ आपको और भाभी को कभी भी एक नहीं होने देना चाहती। जो कुछ भी आज तक आप दोनों के दरमियान हुआ है, जितनी भी गलत फहमी आप दोनों के बीच आई है, वो रानी सा की वजह से ही आई है। और उन्होंने जानबूझकर ये सारी प्लानिंग प्लॉटिंग की है आपको रानी भाभी से अलग करने के लिए। सच जानने के बाद वीर आग बबूला होता हुआ पहुंचेगा रानी सा के पास और अपने सवालों के जवाब मांगेगा। वीर कहेगा कि क्या आपने ये सब कुछ जानबूझकर किया, ये जानते हुए भी कि मैं रानी से कितना प्यार करता हूँ। तब रानी सा वीर के सामने खुलकर आ जाएंगी और कहेंगी कि हाँ, हमने जो कुछ भी किया अपने परिवार की इज्जत के खातिर किया। हमारे परिवार की बहू एक नौकरानी तो कभी भी नहीं बन सकती और हम चाहते हैं कि हमारा बेटा भी ऐसे छोटे लोगों से दूर रहे। रानी सा की सच्चाई और उनकी सोच को जान लेने के बाद वीर घर छोड़ने का फैसला लेगा, लेकिन अकेले नहीं बल्कि रानी को अपने साथ लेकर। इसके बाद तो रानी सा की बर्बादी शुरू होने वाली है, क्योंकि उनका प्यारा बेटा उनसे हमेशा के लिए दूर जो हो जाएगा। कल अब इंतजार रहेगा सीरियल अपना टाइम भी आएगा में आने वाले इन सभी हाई वोल्टेज ड्रामों को देखने का, किस तरह रानी सा की साजिशों का अंत करने में कामयाब हो पाते हैं वीर और रानी, और कैसे पति पत्नी के रूप में शुरू होता है इन दोनों का नया सफर।